के मैं हूँ हीरो तेरा, के मैं हूँ हीरो तेरा। वेलकम बैक। फिल्म मेकर्स के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करें। ऐसे में सीक्वल में कभी कभी कैरेक्टर्स को ही बदल दिया जाता है। वक्त की नज़ाकत और फैंस के इंटरेस्ट को देखते हुए उनके फेवरेट एक्टर्स की एंट्री भी करा दी जाती है। टेक अ लुक। वैसे तो 100 सालों में हिंदी सिनेमा की पूरी इमेज ही पलट गई है, लेकिन इसके साथ ही बॉलीवुड में कई नए ट्रेंड आए और गए। इन्हीं में से एक ट्रेंड है फिल्मों के रीमेक और उनके सीक्वल का, जो अभी तक बरकरार है। सीक्वल फिल्मों में सबसे ज्यादा काम करने वालों में सलमान खान का नाम सबसे ऊपर है। ये शाइना भी कैसा लड़का लेके आ रही है, लोगों को मारता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सलमान ने वैसे तो अभी तक दबंग की ही सीक्वल फिल्म में काम किया है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि सल्लू मियां सीक्वल किंग बनकर उभरेंगे। सलमान लगभग आने वाली 4 फिल्मों के सीक्वल में नजर आने वाले हैं, जिनमें दबंग की तीसरी सीक्वल दबंग 3, बॉडीगार्ड की सीक्वल बॉडीगार्ड 2, किक का सीक्वल किक 2 और नो एंट्री के सीक्वल नो एंट्री में एंट्री शामिल है। ये सभी फिल्में या तो प्रोसेस में हैं या फिर किसी की स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है, और सलमान भी अपनी इन फिल्मों के सीक्वल में काफी इंटरेस्ट ले रही हैं। डेविल, वो चाहते हैं कि ये सभी सीक्वल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएं। टू मच फन। वैसे सलमान खान जहां बॉलीवुड में सीक्वल किंग बनने वाले हैं, वहीं हमारी गर्ल नेक्स्ट डोर श्रद्धा कपूर तो पहले ही सीक्वल क्वीन बन गई हैं। ऐसा लगता है कि श्रद्धा सीक्वल फिल्मों के लिए पहली पसंद बनकर उभर रही हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर आशिकी के सीक्वल आशिकी 2 की सक्सेस से ही बी टाउन में श्रद्धा की किस्मत जो चमकी थी। अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। और इसके बाद श्रद्धा की अपकमिंग फिल्म में भी सीक्वल ही है। हाल ही में श्रद्धा ABCD 2 में नजर आई थी, जो ABCD का सीक्वल था। वहीं अब श्रद्धा अर्जुन रामपाल और फरहान अख्तर के साथ रॉक ऑन 2 की शूटिंग में बिजी हैं। रॉक ऑन 2 म्यूजिकल हिट रॉक ऑन की सीक्वल है। वहीं दूसरी तरफ सीक्वल फिल्मों में जॉन अब्राहम अक्षय कुमार को रिप्लेस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अजय बहुत अच्छा है, भैया भी रियली लव ईच अदर। जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने वाली फिल्मों में हेरा फेरी, वेलकम और आंखें के सीक्वल में अब खिलाड़ी कुमार की जगह जॉन इब्राहिम नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि जिन फिल्मों को अक्षय ने हिट किया, अब उनके हिट करने का जिम्मा जॉन के हाथों में है। वैसे खिलाड़ी कुमार के फैंस के लिए भी गुड न्यूज है, वो हाउसफुल के सीक्वल हाउसफुल 3 में मौजूद रहेंगे। कुछ टाइम पहले ही फिल्म की स्टार कास्ट की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें अक्षय के साथ साथ अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख भी नजर आएंगे। एंटरटेनमेंट डेस्क, APN। 2015 सीक्वल के लिए लकी साबित हुआ है, जहां एक तरफ तनु वेड्स मनु ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की तो वहीं ABCD 2 ने भी लोगों को काफी एंटरटेन किया। ऐसे में आने वाले समय में आपको सीक्वल्स की भरमार देखने को मिलेगी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अरे बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग। समझाओ से, उदय शेट्टी कौन है, उसका असली रंग क्या है, अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है। बी टाउन में तो वैसे ही आजकल सीक्वल बनाने का ट्रेंड सब बन गया है। hey, hey.
डायरेक्टर्स अपनी मूवी हिट करने के लिए वन एंड ऑनली सीक्वल फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर चाहे मूवी बॉक्स ऑफिस पर पिट जाए या हिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिद्धेश्वर महाराज और गोपी मैया। अगर अपकमिंग मूवीज की बात करें तो आने वाले समय में कुछ भी नया नहीं दिख रहा, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद आपको सीक्वल्स ही देखने को मिले। आने वाले काम करते हैं, खुद को तो लेना मिलती नहीं और जिसको मिल रही है उसमें घायल वंस अगेन। जी हाँ, सनी देओल की 1990 में आई सुपरहिट फिल्म घायल के सीक्वल का यही नाम फाइनल किया गया है। और हर वो आदमी मारा जाएगा जो बलवंत राय के साथ है। ये लो। पहले इसका नाम घायल रिटर्न्स रखने की चर्चा थी। इस फिल्म में सोहा अली खान के साथ साथ खुद सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के होने की भी खबर है। इसके साथ ही सिंग इज ब्लिंक में आप रफ्तार सिंह यानी के अक्षय कुमार की रफ्तार तो देख ही सकते हैं। ये भी उनकी फिल्म सिंग इज किंग का सीक्वल ही है। जिसको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। यही नहीं, 2012 की सरप्राइज हिट फिल्म ओ माय गॉड का भी सीक्वल आ रहा है, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं परेश रावल और अक्षय कुमार। इसके लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। कौन है? भगवान। भगवान फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि सीक्वल पुरानी फिल्म से बिल्कुल अलग होगा। होपफुली इसका सीक्वल भी पिछली फिल्म जितना ही अच्छा हो। नो एंट्री में एंट्री। 10 साल बाद आ रहे इस फिल्म के सीक्वल में पूरी कास्ट सेम होगी, बस सलमान का डबल रोल इसका नया पंच होगा। कितनी नई होगी ये तो देखने पर ही पता चलेगी। मेरी जान दिल रुबा, कहना मान मैं गुबा, इस पहाड़ का मजा ले ले प्यार का मजा। वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट मूवी हेरा फेरी का पहले भी एक सीक्वल आ चुका है, जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। 300 हाँ तो ला ना, 300 से 100 पास के लिए चाहिए। तो 200 चलेगा। आज पीने का बंदोबस्त हो गया। लेकिन अच्छा, इसका एक और सीरीज आ रहा है तो जिसका नाम है हेरा फेरी 3। श्याम बाबा राजू के दे रहे वो 1000 रुपए का नोट का छुटा कराने के ऐसा लाभ तो कह नहीं है, 4 घंटा हो गया, किधर है रे राजू? ए राजू। इसमें परेश रावल और सुनील शेट्टी तो दिखेंगे, लेकिन अक्षय कुमार की जगह जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को लिया गया है। गरीब अक्कल, अब उनका नाम लेने का ना इज्जत से लेने का, राजू राजू खबरी क्या? ये तो राजू नहीं है, तो डुप्लीकेटर। अब देखना है कि ये दोनों अक्षय की कमी किस हद तक पूरी कर पाएंगे। डुप्लीकेट मैं हूँ, भोजपुरी फिल्म का सुपरस्टार। सुपरस्टार तू? अरे सुपरस्टार का डुप्लीकेट राजू डुप्लीकेट। ऐसे ही कई सारी फिल्में हैं जो इस लिस्ट में शुमार होने वाली हैं। तो देखना ये है कि डायरेक्टर्स का ये फॉर्मूला कितना हिट साबित होता है और कब तक डायरेक्टर्स ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क। भाई रीमेक हो या फिर सीक्वल, अगर ट्रीटमेंट सही नहीं और कहानी में अगर थोड़ी कमतरी हो गई है तो फिल्म का हिट होना मुश्किल है। लेकिन सीक्वल का सहारा लेना फिल्म मेकर्स के लिए 50-50 ही साबित हो रहा है। लेकिन अपकमिंग सीक्वल से ये देखना होगा कि वो हीरो साबित होते हैं या फिर जीरो। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए एपीएन के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। मैं हूँ हीरो तेरा।